एक गांव में सोनी अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती थी। सोनी की सौतेली माँ उसे बहुत दुख देती थी। सोनी खुद बहुत दयालु स्वभाव की थी। उसके दयालु स्वभाव के कारण उसे मिला एक जादुई बैल, जिसने सिर्फ सोनी की ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। सोनी अपने पिता रघु और सौतेली माँ रोहिमा के साथ रहती थी। सोनी के पिता एक किसान थे। वो कभी अपने खेतों में मटर की खेती करते तो कभी हरी साग सब्जियों की। सोनी जब 6 साल की थी तब उसकी माँ लंबी बीमारी के कारण चल बसी थी, जिसके बाद सोनी की देखभाल के लिए रघु ने रोहिमा से दूसरी शादी कर ली। रघु की शादी को 4 साल बीत गए थे। रोहिमा रघु के सामने तो सोनी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन रघु के पीछे में वो सोनी को बहुत दुख देती थी। एक बार रघु ने अपने खेत में मटर की खेती की। फसल अच्छी हुई थी। रघु ने सारे मटर खेत से तोड़ लिए और घर ले आया। सोनी की माँ, इस बार मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। सारे मटर बहुत अच्छी कीमत पर मंडी में बिकेंगे। अच्छा मुनाफा होगा। मटर के दाने तो बहुत अच्छे हैं। 2 किलो मटर हम अपने घर के लिए रख लेते हैं। ठीक है सोनी की माँ, ये लो 2 किलो मटर। बाकी मटर लेकर मैं मंडी जा रहा हूँ। रघु मटर लेकर मंडी चला जाता है। उसके बाद रोहिमा ने 2 किलो मटर सोनी को देकर कहा, सोनी 10 मिनट में सारे मटर छिल दे, आज घर में मटर की दाल बनेगी। माँ, 10 मिनट में 2 किलो मटर कैसे छिलूंगी? वो सब मुझे नहीं पता, जैसे भी करके छिल। अगर आज मटर की दाल नहीं बनी तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। हाँ, सोनी सारे मटर लेकर अपने घर के बाहर बैठ गई और जल्दी जल्दी मटर छिलने लगी। वो मटर के दाने छुड़ाकर छिलके अलग रखने लगी। तभी वहां पर एक बैल आता है जो मटर के छिलकों को खाने लगता है। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हें मटर के और छिलके दूंगी, थोड़ी देर रुक जाओ। सोनी बड़े प्यार से उस बैल के सिर पर हाथ फेरती है और उसे मटर के और छिलके खाने के लिए देती है। तभी घर के अंदर से रोहिमा के चिल्लाने की आवाज आती है। सोनी, तू किससे बातें कर रही है? हाँ, 10 मिनट हो गए, अभी तक मटर छिले कि नहीं? हाँ माँ, छिल रही हूँ। तभी रोहिमा घर के बाहर आती है और उस बैल को मटर के छिलके खाते हुए देख लेती है। उसके बाद रोहिमा सोनी की बहुत पिटाई करती है और बैल को भी डंडे से मारने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें पीटकर रोहिमा का दिल भर जाता है तो वो घर के अंदर चली जाती है। सोनी बाहर बैठकर बहुत जोर जोर से रो रही थी। सोनी को रोता देखकर उस बैल की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो बैल सोनी के पास आकर उसे चाट चाट कर प्यार करने लगता है। वो अपनी जीभ से सोनी के आंसू पोंछ देता है। सोनी को भी उस बैल का इस तरह प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। तुम कितने अच्छे हो, माँ के बाद तुम्ही ने मुझे अपना प्यार दिया है। आज से मैं और तुम दोनों दोस्त हो गए। मैं तुम्हें प्यार से नंदू बुलाऊंगी। बैल हाँ में सिर हिलाता है, जैसे उसे भी सोनी की दोस्ती दिल से मंजूर थी। अब नंदू रोज सोनी से मिलने आने लगा। सोनी भी घर के बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करती। सोनी कभी उसे हरे हरे ताजे घास खिलाती तो कभी साग और हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाती। वो अपनी सौतेली माँ की नजरें बचाकर नंदू को कुछ न कुछ जरूर खिलाती। एक दिन रोज की तरह नंदू सोनी से मिलने आता है, लेकिन उस दिन सोनी घर के बाहर खड़ी होकर नंदू का इंतजार नहीं कर रही थी। नंदू घर के बाहर खड़ा होकर आवाजें लगाने लगता है। तभी घर के अंदर से रोहिमा बाहर आती है और नंदू को देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। आज तेरी भी अकल ठिकाने लगा दूंगी। इतना कहकर रोहिमा उसे जोर जोर से डंडे से मारने लगती है। नंदू अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। भागते भागते वो खेतों की तरफ पहुंच गया। वहां उसने देखा कि सोनी खुद बैल बनकर खेत जोत रही थी। नंदू से ये देखा ना गया। वो भागकर सोनी के पास आया। नंदू को अपने पास देखकर सोनी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, तू आ गया नंदू। तुझे पता है बाबा शहर गए हैं नए अनाजों के लिए बीज लाने। माँ ने मुझे कहा है कि खेत जोत कर तैयार रखूं। बाबा जो बीज शहर से लाएंगे, अगर उससे फसल अच्छी नहीं हुई तो मेरी खैर नहीं। तभी नंदू ने सोनी के कंधे से हल नीचे गिरा दिया और पूरे खेत में पागलों की तरह दौड़ने लगा। और देखते ही देखते सारा खेत बिना हल के ही अच्छी तरह से जुत गया।
अरे वाह नंदू, तूने तो मिनटों में पूरा खेत जोत दिया। सोनी ने खुशी के मारे नंदू को गले से लगा लिया। सोनी के गले से लगकर नंदू की नजर उसके नाजुक कंधों पर पड़ी। हल्के बोझ के कारण सोनी के कंधे छिल गए थे और उनमें से खून आ रहा था। नंदू ने सोनी के जख्मों पर अपनी जीप से चाटना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में सोनी के कंधों के जख्म बिल्कुल ठीक हो गए। नंदू, तू तो कोई जादुई बैल लगता है। तूने खेत भी मिनटों में जोत दिया और मेरे जख्म भी ठीक कर दिए। अब अगर माँ भी मुझे प्यार करने लगती तो कितना अच्छा होता ना। नंदू सोनी की बातें सुनकर हाँ में सिर हिला रहा था, जैसे सब समझ रहा हो। सोनी और नंदू घर आने लगे। रास्ते में सोनी ने उसे हरे हरे ताजे घास खिलाए। नंदू वापस चला जाता है और सोनी अपने घर आ जाती है। शाम को रघु शहर से वापस आ जाता है और दूसरे दिन खेतों में नई फसल के लिए बीज लगा देता है। इस बार उसके खेतों में फसल सबसे अच्छी हुई थी। सोनी की माँ, इस बार मैंने खेतों में धान की फसल लगाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पैदावार इतनी अच्छी होगी। पूरा खेत फसल से लहलहा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से आप हर बार धान की फसल लगाना। अच्छा, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ, फसल की कटाई करनी है। रघु खेत पर जाने लगता है, तभी सोनी उससे कहती है, बाबा फसल की कटाई करने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। ठीक है सोनी बेटा, तू भी मेरे साथ चल खेत पर। सोनी रघु के साथ खेत पर चली जाती है। नंदू सोनी को ढूंढता हुआ खेत पर आ जाता है। सोनी और रघु खेत में फसल काट रहे थे, तभी नंदू खेत में घुस जाता है और पूरे खेत में दौड़ने लगता है। ये देखकर रघु उसे डंडे से मारकर भगाने लगता है। तभी सोनी रघु को रोकती है और कहती है, बाबा इसे मत मारो, ये तो नंदू है। सोनी बेटी, ये एक बैल है, ये हमारी पूरी फसल खराब कर देगा। नहीं बाबा, नंदू एक जादुई बैल है, ये हमारी फसल खराब नहीं करेगा, बल्कि फसल काटने में हमारी मदद करेगा। आप थोड़ी देर रुको। नंदू फिर से खेत में दौड़ने लगता है। ये सब देखकर रघु को लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन नंदू जब रुका तो रघु ये देखकर हैरान रह गया कि सारी फसल अच्छी तरह कट गई थी और उनमें से धान अलग हो गए थे और सारे धान एक जगह इकट्ठे हो गए थे, जैसे किसी ने उन्हें कूट कर अलग किया हो। मैं ये कैसा चमत्कार देख रहा हूँ। रघु खुशी से नंदू को गले से लगा लेता है। उस दिन वो नंदू को अपने साथ घर ले आता है। रघु उसे घर के दरवाजे पर बांध देता है। सोनी आज बहुत खुश थी, वो नंदू के साथ खेलने लगती है। रोहिमा, आज से नंदू हमारे साथ रहेगा। ये बैल, इसे कहाँ से ले आए? रोहिमा, नंदू कोई साधारण बैल नहीं है, ये एक जादुई बैल है। आज इसने अपने जादू से मिनटों में हमारी फसल को काट कर तैयार कर दिया। अब नंदू खेत की जुताई करने में मेरी मदद किया करेगा। अच्छा, जरा नंदू को कुछ खाने को तो दो, आज शाम को मैं उसके लिए चारा ले आऊंगा। रोहिमा को नंदू का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने गुस्से में दो बासी रोटियां नंदू के सामने फेंक दी। नंदू समझ गया कि उसके आने से रोहिमा खुश नहीं है। नंदू ने रोटियां नहीं खाई, तभी सोनी उसके पास आई। नंदू, मुझे पता है जब तक तुम्हें कोई प्यार से नहीं खिलाएगा तुम नहीं खाओगे, मैं ये रोटियां तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। सोनी ने वो रोटियां नंदू को अपने हाथों से खिलाया। नंदू ने बड़े प्यार से दोनों रोटियां खा ली। उसके बाद सोनी ने एक मिट्टी के बर्तन में उसे पीने के लिए पानी दिया। नंदू सारा पानी पी गया। तुम्हें बहुत प्यास लगी थी ना, तुम्हें और भूख लगी है ना, मैं अभी तुम्हारे लिए और रोटियां लाती हूँ। सोनी घर के अंदर जाती है। रोहिमा ने उसे खाने के लिए दाल और रोटी दी थी। सोनी अपने हिस्से का खाना नंदू को खिलाने लगती है और अपनी थाली नंदू के सामने रख देती है। ये लो नंदू, दाल और रोटी खा लो। नंदू सारा खाना खा लेता है, लेकिन तभी थाली फिर से खाने से भर जाती है, जिसमें दाल, सब्जी, रोटियां, चावल और मिठाई होते हैं। नंदू सोनी की तरफ देखता है, मानो कह रहा हो कि ये खाना तुम्हारे लिए है। धन्यवाद मेरे जादुई बैल। इस तरह से सोनी अपना खाना रोज नंदू को खिलाती और बदले में नंदू उसे ढेर सारा खाना देता। रघु भी उसे रोज चारा खिलाता। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। नंदू के आने के बाद से रोहिमा के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा था। अब वो सोनी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी थी और नंदू की भी देखभाल करने लगी थी। सोनी बेटी, अब तू खेतों में काम नहीं करेगी, अब तू स्कूल जाएगी और पढ़ाई करेगी। लेकिन माँ, अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो नंदू का ध्यान कैसे रखूंगी? सोनी, नंदू का ध्यान मैं रखूंगी, तू जब स्कूल से लौट कर आएगी तब नंदू की देखभाल करना। रोहिमा अब सोनी को खूब प्यार करने लगी और उसे अच्छा अच्छा खाने को देती। रोहिमा के इस व्यवहार से सोनी बहुत खुश थी। नंदू, तुम्हें पता है माँ मुझे बहुत प्यार करती है,
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम आए हो माँ काफी बदल गई है, वो बहुत अच्छी बन गई है। रघु खेत जोतने और फसल काटने के लिए अब नंदू को ही लेकर जाता। नंदू जब से खेत जोतने लगा था, रघु के खेत में लगाई गई हर फसल की खूब अच्छी पैदावार होती। रघु का खेत मानो सोना उगलने लगा हो। धीरे धीरे वो लोग काफी पैसे वाले हो गए। सोनी और उसके माता पिता इसके लिए अपने जादुई बैल को धन्यवाद देते और उसे खूब प्यार करते। नंदू के आने से उनकी जिंदगी ही बदल गई थी। नरेश करेले की खेती करता था। उसके करेले बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे। खेत करेलों से भर जाता था, लेकिन उसके करेलों की फसल को किसी ने बर्बाद करना शुरू कर दिया, जिसके बाद नरेश बहुत टूट गया था। नरेश की मुश्किलें कैसे दूर हुई, जानने के लिए देखते हैं कहानी जादुई करेला। नरेश आज बहुत खुश था। उसके करेलों की फसल तैयार हो चुकी थी। गौरी की माँ, इस बार भी हमारे खेत में करेलों की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं कल शाम को देखने गया, तब फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। आज सारे करेले तोड़कर बाजार में बेच दूंगा। मैं खेत पर जा रहा हूँ। अच्छा, जरा रुकिए गौरी के बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, थोड़े करेले घर के लिए तोड़ लूंगी। ठीक है चलो, गौरी को घर पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं, उसे भी ले चलो। जी ठीक है। नरेश, गुंजा और गौरी तीनों खेत पर आते हैं। नरेश और गुंजा करेले की फसल तोड़कर इकट्ठी करते हैं। गुंजा थोड़े करेले लेकर घर आ जाती है और बाकी के सारे करेले नरेश ठेले पर रखकर उन्हें बेचने के लिए बाजार चला जाता है। शाम को जब नरेश घर पहुंचा, गौरी की माँ ये लो पैसे, ये पैसे मुझे करेले बेचकर मिले हैं। भगवान इसी तरह हम पर अपनी कृपा बनाए रखे, हमारी फसल इसी तरह अच्छी होती रहे। नरेश ने अगली बार भी अपने खेत में करेले के बीज बो दिए। वो सुबह शाम उनमें पानी डालता और उनकी देखभाल करता। कुछ दिनों के बाद करेले की फसल तैयार हो गई। फसल इस बार भी बहुत अच्छी हुई थी। नरेश अपने करेले तोड़ने खेत में गया। गुंजा और गौरी भी उसके साथ गए, लेकिन खेत पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। किसी ने नरेश के खेत के सारे करेले बर्बाद कर दिए थे। ऐसा लग रहा था मानो करेलों को लाठी डंडे से जोर जोर से पीटा गया हो। नरेश के सारे करेले बुरी हालत में खेत में पड़े थे। अपने करेलों की यह हालत देखकर नरेश फूट फूट कर रोने लगा। अरे यह किसने किया, कौन है जिससे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं? हे भगवान, ये तूने मेरे साथ कैसा अन्याय किया है। मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। गौरी के बाबा, इस गांव में जरूर कोई हमारा दुश्मन है, उसी ने हमारी फसल बर्बाद की है। लेकिन मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, भला हमारा दुश्मन कौन हो सकता है। वो जो कोई भी हो, एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। रोने से कोई फायदा नहीं, हम दोबारा फसल लगाएंगे। गुंजा नरेश को समझाती है और तीनों घर आ जाते हैं। गौरी के बाबा, ये कुछ पैसे हैं जो आपने करेले बेचकर मुझे दिए हैं, इन पैसों से आप हमारे खेत में फिर से करेले की फसल लगा लेना। नरेश गुंजा से पैसे ले लेता है और फसल लगाने के लिए बीज खरीद कर लाता है। अगले दिन नरेश अपने खेत पर जाकर खेत की सफाई करता और फिर से करेले के बीज बोता है। वो कुछ दिनों तक उनकी देखभाल करता है। कुछ दिनों के बाद करेले की फसल फिर लहलहा उठती है। लेकिन इस बार भी जब वो तीनों करेले तोड़ने खेत पहुंचे, तो फिर किसी ने उनकी फसल को तहस नहस कर दिया। ये देखकर नरेश को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। गुंजा और गौरी उसे उठाकर घर ले आते हैं। गुंजा नरेश के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है, जिसके बाद नरेश को होश आ जाता है। लेकिन वो गुंजा से कोई बात नहीं करता, सिर्फ खिड़की के बाहर खेतों की तरफ देखा करता। फसल बर्बाद होने के कारण नरेश को गहरा सदमा लगा था। वो बीमार रहने लगा और बिस्तर से उठ नहीं पाता था। एक दिन, गौरी की माँ, लगता है अब हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। यहाँ हमारी फसल को बार बार कोई बर्बाद कर रहा है, हमें पैसा कमाने के लिए कोई और काम करना पड़ेगा। लेकिन गांव छोड़कर हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले का पता लगाए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि वो जालिम आखिर कौन है, हमने उसका क्या बिगाड़ा है कि वो बार बार हमारी फसल को बर्बाद कर रहा है। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा गौरी के बाबा, लेकिन सबसे पहले खेत में फिर से फसल लगानी होगी। फसल लगाने के लिए अब हमारे पास बचा ही क्या है, जो पैसे थे वो खाने पीने में खर्च हो गए, अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। आपको कुछ हो गया तो मेरा और गौरी का क्या होगा, मैं कल खेत पर जाकर देखूंगी,
हमें इस मुश्किल घड़ी से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। दूसरे दिन गुंजा खेत पर जाती है। वहां उसने देखा कि सारी फसल नष्ट हो चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था। गुंजा निराश होकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर कोने पर पड़े एक करेले पर गई, जो अभी भी बिल्कुल ताजा और पूरी तरह साबुत था। गुंजा ने उस करेले को हाथ में उठाया। लगता है इस करेले पर उस दुष्ट की नजर नहीं पड़ी, तभी ये करेला बच गया। ये करेला अभी भी ताजा है, क्यों ना इसके बीज खेत में बो दूं। गुंजा ने उस करेले को काटकर उसका बीज निकाला और खेत में बो दिया। चलो अच्छा है, बीज खरीदना नहीं पड़ा, वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं थे। गुंजा घर आकर नरेश को सारी बात बताती है। ये तो अच्छा हुआ कि वो करेला जिंदा बच गया और हमारा काम बन गया। अब गुंजा रोज खेत जाकर अपनी फसल की देखभाल करने लगी। थोड़े दिनों के बाद नरेश और गुंजा की करेले की फसल तैयार हो गई। गौरी के बाबा, हमारी करेले की फसल तैयार हो गई है, कल सुबह मैं खेत पर जाकर सारे करेले तोड़ लूंगी। अगर हमारे करेलों पर उस दुष्ट की नजर नहीं पड़ी होगी तब ना, कहीं हर बार की तरह इस बार भी हमारी फसल बर्बाद ना हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी फसल को कुछ नहीं होगा। अगले दिन गुंजा अपने खेत पर जाती है। वो देखती है कि नरेश का दोस्त सुरेश खेत में जख्मी हालत में पड़ा था और कराह रहा था। वहां पर एक लाठी भी पड़ी हुई थी। ये सब देखकर गुंजा ने सुरेश से पूछा, सुरेश भैया, आप हमारे खेत में क्या कर रहे हैं? और ये लाठी तो आपकी है ना, ये यहाँ कैसे आई? मुझे माफ कर दो गुंजा भाई, आप लोगों की करेले की फसल मैं ही बर्बाद करता था। मुझे नरेश के ताजे और पौष्टिक करेले देखकर बहुत जलन होती थी। मैं भी अपने खेत में करेले उगाता हूँ, लेकिन मेरे खेत के करेलों में कोई जान ही नहीं होती थी। इसी जलन के कारण मैंने हर बार आप लोगों की फसल को नुकसान पहुंचाया। कल भी मैं आपकी फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन लेकिन क्या सुरेश भैया? आपके करेलों ने मेरी खूब पिटाई की, जिसके कारण मैं जख्मी हो गया हूँ। आप अस्पताल तक जाने में मेरी मदद करो। करेलों ने आपकी पिटाई की? ये कैसे हो सकता है? भला करेले किसी इंसान की पिटाई कैसे कर सकते हैं? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं सच कह रहा हूँ, ये करेले पेड़ से अलग होकर पत्थर की तरह मुझ पर बरसने लगे और फिर वापस जाकर पेड़ में लग गए। तभी खेत के करेले से आवाज आई, सुरेश सही कह रहा है गुंजा, हम सब जादुई करेले। दरअसल जिस करेले का बीज तुमने खेत में लगाया था वो एक जादुई करेला था, जिस कारण हम सब जादुई करेले बन गए और हमने सुरेश को उसके किए की सजा दे दी। जादुई करेले? हाँ, अब हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हम सब अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं और अपराधी को सजा भी दे सकते हैं। तुम हमें तोड़कर बाजार में बेच दो, लेकिन हम सब फिर से अपने आप उग जाएंगे। हमारी सब्जी बनाकर नरेश को खिलाना, वो ठीक हो जाएगा। हमें पीस कर उसका रस सुरेश के जख्मों पर लगा देना, उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा जादुई करेले, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद गुंजा कुछ करेले तोड़कर रख लेती है और सुरेश को उठाकर अपने घर ले जाती है, जहां सुरेश नरेश को सारी बात बताता है और उससे माफी मांगता है। गुंजा कुछ करेले पीसकर उसका रस सुरेश के जख्मों पर लगाती है और कुछ करेलों की सब्जी बनाती है। गौरी के बाबा, ये लीजिए करेले की सब्जी के साथ रोटी खा लीजिए, इस करेले की सब्जी खाकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नरेश करेले की सब्जी और रोटी खाता है, जिसके बाद उसकी तबीयत तुरंत ठीक हो जाती है। गौरी की माँ, ये तो सच में जादुई करेले हैं, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है। जादुई करेले की वजह से नरेश पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाता है और सुरेश के जख्म भी भर जाते हैं। दूसरे दिन नरेश अपने खेत पर जाता है और सारे जादुई करेले तोड़ लेता है। लेकिन जैसे ही नरेश करेले तोड़ता है, तभी पौधों में करेले फिर से उगाते हैं। ये देखकर नरेश बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जादुई करेलों ने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी। नरेश और एक टोकरी में करेला भरकर सुरेश के पास जाता है। ये लो सुरेश भाई, मेरे खेत के जादुई करेले तुम भी बाजार में बेचाओ। मेरे खेत में करेले तोड़ने पर दूसरे करेले अपने आप उगाते हैं। अब तुम मेरे खेत के करेले रोज बेचना, मैं रोज तुम्हें टोकरी भर के करेले दूंगा।
नरेश का नेकी भरा दिल देखकर सुरेश को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो रोते हुए नरेश से कहता है, नहीं नरेश भाई, तुम्हारे जादुई करेलों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी फसल बर्बाद की, उसके बाद भी तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, और अब तो तुम अपने खेत के जादुई करेले भी मुझे देने आए हो। मैं इसके काबिल नहीं हूँ। सुरेश भाई, ये जादुई करेले तुम्हारे कारण ही मिले हैं ना? ना तुम मेरी फसल तहस नहस करते और ना मुझे ये जादुई करेले मिलते, इसलिए इन करेलों पर तुम्हारा भी अधिकार है। अब देर मत करो, चलो हम दोनों साथ में बाजार जाकर करेले बेचेंगे। नरेश और सुरेश दोनों साथ साथ बाजार जाते हैं और जादुई करेले बेचने लगते हैं। करेले इतने मोटे ताजे और हरे थे कि जो भी उन्हें देखता खरीदे बिना नहीं रह पाता। लोग नरेश और सुरेश के जादुई करेले खरीदने लगे। देखते ही देखते दोनों की करेले से भरी टोकरी खाली हो गई। अब दोनों दोस्त रोज बाजार में आकर करेले बेचने लगे और खूब मुनाफा कमाने लगे। जादुई करेलों की वजह से दोनों की दोस्ती टूटने से बच गई और गरीबी भी दूर हो गई।